नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बिहार में 4050 सामुदायिक हेल्थ ऑफिसर की होगी बहाली, नोटिफिकेशन जारी। बिहार में सामुदायिक हेल्थ ऑफिसर की बहाली होने जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इनकी बहाली होनी है। इससे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ सुविधाओं को देने में सहायता मिलेगी। सामुदायिक हेल्थ ऑफिसर ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों आशा का नेतृत्व करेंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट के स्वास्थ्य समिति के जरिए संविदा के आधार पर बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई है। 936 पद अनारक्षित है, वहीं 499 पद अनारक्षित महिलाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। विभाग के अनुसार सभी CHO की बहाली के लिए बेसिक नर्सिंग और GNN योग्यता धारकों को अवसर दिया जाएगा। केंद्रीय राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से प्राप्त डिग्री ही मान्य होगी। 3 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन के साथ ही अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से EWS के कैंडिडेट्स को ₹500 और बिहारी निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला आवेदकों को ₹250 आवेदन शुल्क के रूप में ऑनलाइन देना होगा। दूसरी तरफ, अगर आप पहले से CHO के पद पर कार्यरत हैं, तब आपको फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। आवेदकों को पद धारण करने के पूर्व ₹1.5 लाख का बॉन्ड पेपर ₹1,000 के स्टाम्प पेपर पर लिखकर देना होगा। अभ्यर्थी का केंद्रीय या किसी भी राज्य सरकार की नर्सिंग काउंसिल से स्थायी रूप से निबंधित होना अनिवार्य है। बिहार में बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरों के प्रमोशन की तैयारी, पुलिस हेडक्वार्टर से मिला निर्देश। बिहार में बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरों की प्रोन्नति की तैयारी हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने इसको लेकर सभी DG, ADG, IDG व DIG को पत्र लिखकर 15 दिन के भीतर निरीक्षक व समकक्ष कोटि के पुलिस अफसरों की सर्विस बुक अपडेट कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उनके वार्षिक गोपनीय चारित्रिक अभियुक्ति तथा आरोप की स्थिति की अपडेट रिपोर्ट भी तलब की है। अपर पुलिस महानिदेशक ने पत्र में कहा है कि पुलिस निरीक्षक एवं समकक्ष कोटि के पदाधिकारियों की सेवा पुस्तिका, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट व आरोप की स्थिति की अपडेट रिपोर्ट नहीं होने से कार्मिक संबंधित मामलों के निपटारे में कठिनाई होती है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने भी पत्र लिखकर अपडेट जानकारी मांगी है। उन्होंने अफसरों से कहा है कि पुलिस पदाधिकारियों की सेवा पुस्तिका अपडेट रखे, ताकि अल्प सूचना पर भी क्षेत्रीय पार्षद में इनकी प्रोन्नति के मामलों पर विचार हो सके। बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के सवाल पर दाएं बाएं करने लगे डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद। बिहार में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर एक और JDU लगातार आवाज उठा रही है, तो वहीं BJP इस पर चुप्पी साधे हुई है। JDU के नेता ललन सिंह तो सोशल मीडिया पर इसको लेकर मुहिम चला रहे हैं, तो वहीं बिहार BJP के नेता साफ कह चुके हैं कि बिहार को पर्याप्त पैकेज मिल रहा है और इसे स्पेशल स्टेटस की जरूरत नहीं है। BJP नेताओं से जब भी स्पेशल राज्य पर सवाल किया जाता है तो वह कहते हैं कि बिहार को अब उद्योग के माध्यम से आगे बढ़ाना है। अब जब बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से इस बारे में पूछा गया तो वह भी दाएं बाएं करने लगे। दरअसल बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद शनिवार की देर रात भागलपुर जिले के नाथनगर गोलदार पट्टी स्थित अपने ससुराल कड़ी सुरक्षा में पहुंचे, जहां ससुराल में दामाद DP CM का भव्य स्वागत किया गया। वो अपने सरहज का हाल जानने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान DP CM तारकिशोर प्रसाद बिहारी भोजन लिट्टी चोखा का स्वाद लिए और कई तरह के मिठाई भी खाने में परोसा गया। बिहार में बदला मौसम का मिजाज, कनकनी से नहीं मिलेगी राहत। रात को 10 डिग्री तक गिर रहा है तापमान। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में सुबह में मौसम का मिजाज पल पल बदल रहा है। बिहार में रात के वक्त पारा गिरने में कपकपी बढ़ी है, तो वहीं दिन के वक्त तीखी धूप में लोगों को कभी कभी गर्मी का एहसास भी हो रहा है। मौसम का यह उतार चढ़ाव अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम फिलहाल शुष्क बना हुआ है और उत्तर पश्चिम की तरफ से आने वाली ठंडी हवाएं लगातार रात के वक्त पारा नीचे गिरा रही है। वहीं रविवार को प्रदेश के अधिकांश शहरों में आसमान साफ रहा। अच्छी धूप निकलने से राज्य का पारा भी अब बढ़ने लगा है। रविवार को प्रदेश के अधिकांश शहरों का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास। बीते दिन पटना का अधिकतम तापमान 24.2 डिग्री तो गया का 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आगे प्रदेश के मौसम में सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है।
बिहार में कोरोना को लेकर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटाए गए। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार सरकार ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद एक बड़ा फैसला लिया है। बिहार में कोरोना को लेकर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इसकी जानकारी साझा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट के माध्यम से इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थितियों की आज समीक्षा की गई। कोरोना संक्रमण में लगातार आ रही कमी को देखते हुए 14 फरवरी से अगले आदेश तक सभी प्रकार के प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अब कोविड अनुकूल व्यवहार व निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन के सभी गतिविधियों सामान्य रूप से संचालित होंगी। जिला पदाधिकारियों को स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यकता अनुसार प्रतिबंध लगाने हेतु अधिकृत किया गया है। लोगों से अनुरोध है कि सावधानी बरतें तथा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग जरूर करें। कई मुद्दों को लेकर नीतीश सरकार पर बरसे तेजस्वी। हिजाब विवाद पर कहा, देश का माहौल खराब कर रही है बीजेपी। आज से शुरू हुए राजद सदस्यता अभियान के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कई मुद्दों पर खुलकर बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार के सदन में सबसे बड़ी पार्टी है, अब सबसे ज्यादा सदस्य वाली पार्टी भी बन जाएगी। तमाम कार्यकर्ताओं को जिले में मजबूती से सदस्य बनाए जाएंगे। जो राजद को वोट दिए हैं या नहीं दिए हैं, उसे भी सदस्य बनाया जाएगा। बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार किस कदर फेल है, उसे नीति आयोग ने बता दिया है। एनडीए के दोनों दल जेडीयू और बीजेपी आपस में उलझे हुए हैं। यह डबल इंजन नहीं बल्कि ट्रबल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार सरकार का चेहरा है और पूरी तरह फेल है। नीतीश कुमार बताया कि 19 लाख रोजगार देने के लिए नीतीश जी के पास क्या ब्लूप्रिंट है। नल का जल योजना सिर्फ भ्रष्टाचार की योजना है। जातीय जनगणना पर भी नीतीश कुमार को घेरते हुए तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार ने कहा था कि सभी पार्टी को बुलाकर बैठक कर फैसला लिया जाएगा, पर आज तक बैठक नहीं हुई। तेजस्वी ने कहा कि जब मैं कुंवारा था तब बात हुई थी, अब हमारी शादी हो गई है पर बैठक नहीं हुई है। केंद्र गणना नहीं करती तो राज्य सरकार खुद करेगी, तो फिर आज तक ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं हुई। बिहार में बच्चों को गोद लेना अब होगा आसान। बदल गए हैं नियम, सिर्फ करना होगा ये काम। बिहार में अब बच्चों को गोद लेना आसान हो गया है। माता पिता को अब कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। न्यायालय की प्रक्रिया और इंतजार से छुटकारा मिल गया है। बता दें कि किशोर न्याय अधिनियम 2021 में कोर्ट के बदले अब डीएम को बच्चों को गोद देने का अधिकार दे दिया गया है। जानकारी को कोरोना काल में कोर्ट से अनुमति नहीं मिलने पर कई बच्चों को गोद नहीं दिया जा सकता था। बता दें कि साल 2019 तक 250 से अधिक बच्चों को गोद दिया गया था। कोरोना काल में बच्चों को गोद देने की संख्या में 100 तक सिमट कर रह गई थी। इससे विशेष दत्तक ग्रहण संस्थानों में अनाथ बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राज्यों को नियम बनाने के लिए प्रक्रिया की जा रही है। बता दें, लोकसभा और राज्यसभा से किशोर न्याय अधिनियम संशोधन 202 संस्थानों में 220 बच्चे अभी भी रह रहे हैं। वहीं दत्तक ग्रहण संस्थानों में 0 से 6 साल के बच्चे रखे जाते हैं। बिहार में पुलिसिंग को लेकर बड़ा बदलाव, अब दूसरी इकाइयों का भी रेंज में होगा ऑफिस। पुलिस मुख्यालय ने बड़ा फैसला लेते हुए कई इकाइयों का विस्तार करने का फैसला लिया है, जिसके तहत स्पेशल ब्रांच और सीआईडी के बाद दूसरी इकाइयों के दफ्तर भी फील्ड में खोले जाएंगे। इसके लिए गृह विभाग ने संयुक्त भवन के निर्माण की स्वीकृति दे दी है। इस संबंध में भवन कैसा होगा, इसकी डिजाइन भी तय कर ली गई है। इस भवन को भविष्य की जरूरतों को देखते हुए बनाया जाएगा, जिससे इकाइयों के दफ्तर के लिए जगह की कमी बीच में न आए। फील्ड में कार्य करने वाले पुलिस इकाइयों के लिए रेंज स्तर पर संयुक्त भवन के निर्माण पर गृह विभाग ने अपनी मुहर लगा दी है और अब जल्द ही इस पर काम शुरू होने वाला है। भवन का निर्माण रेंज वाले जिला मुख्यालय में होगा। अमीन अभ्यर्थियों की आवाज सदन में उठाएंगे तेज प्रताप। तेजस्वी यादव ने भी सुनी उनकी बात। भूमि एवं राजस्व विभाग में अमीन लिपिक भर्ती में वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी आज पटना पहुंचे थे। यहां उन्होंने भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय के आवास का घेराव कर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद अभ्यर्थी वहां से निराश होकर राबड़ी आवास पहुंचे। यहां राजद विधायक तेज प्रताप यादव ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनकी आवाज सदन में उठाएंगे। दरअसल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भूमि सर्वेक्षण कार्य में 2200 खाली पदों को अगले माह में भरने के आश्वासन के बाद भी अब तक इनकी नियुक्ति नहीं हुई है। लिहाजा आज अमीन के अभ्यर्थी छात्रों के द्वारा राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले।